केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न आवास योजनाओं के कारण आज कई गरीब एवं पिछड़े परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और गृह निर्माण अनुदान योजना के कारण जिला हमीरपुर में गरीब और पिछड़े लोगों को भी आसानी तैयार किए जा रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले गाँव सदरियाणा के देशराज और उनकी धर्मपत्नी नीलम कई वर्षों से पक्का मकान बनाने की सोच रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका ये सपना साकार नहीं हो पा रहा था। कड़ी मेहनत के बावजूद पक्का मकान उनके लिए काफी दूर नजर आ रहा था। इसी उपहार के बीच देशराज को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की गृह निर्माण अनुदान योजना की जानकारी मिली और उनके सपनों को पंख लग गए। देशराज की पत्नी नीलम ने बताया कि उन्हें गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत मकान के निर्माण के लिए 1.5 लाख की धनराशि दी गई है। ये राशि उनके बहुत ही सहारे के लिए काम आएगी। मेरा नाम बबली देवी है, मैं गांव सदरियान की रहने वाली हूँ। पुराने मकान में हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए गृह अनुदान योजना के तहत हमें 1.5 लाख रुपया मिला, जिससे हम मकान तैयार कर रहे हैं। जब हम लोगों के पक्के मकान देखते थे तो हमारा भी सपना था कि हम भी पक्के मकान बनाएं, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि पक्का मकान बना सकें। तो जयराम सरकार ने हमारा ये सपना पूरा किया। हम जयराम सरकार का बड़ा धन्यवाद करते हैं।